साथियों, पिछले 9 वर्षों में भारत में खेल का एक नया युग शुरू हुआ है। ये नया युग विश्व में भारत को सिर्फ एक बड़ी खेल शक्ति बनाने भर का ही नहीं है, बल्कि ये खेल के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण का भी नया दौर है। एक समय था जब हमारे देश में खेलों को लेकर एक उदासीनता का ही भाव था। स्पोर्ट्स भी एक कैरियर हो सकता है, ये कम ही लोग सोचते थे, और इसकी वजह थी कि स्पोर्ट्स को सरकारों से जितना समर्थन और सहयोग मिलने चाहिए था वो मिलता नहीं था। ना तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान दिया जाता था और ना ही खिलाड़ियों की जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। इसलिए गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए, गांव देहात के बच्चों के लिए खेल में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल था। समाज में ये भावना बढ़ती जा रही थी कि खेल तो सिर्फ खाली समय बिताने के लिए होते हैं। ज्यादातर माता पिता को भी लगने लगा कि बच्चे को उस प्रोफेशन में जाना चाहिए जिससे उसकी लाइफ सेटल हो जाए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि सेटल हो जाने वाली मानसिकता की वजह से न जाने कितने महान खिलाड़ी देश ने खो दिए होंगे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि खेलों को लेकर माता पिता और समाज के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव आया है।